तो हमने कई सारे पावर बी आई डैशबोर्ड डिजाइन पर काम किया। कुछ वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया तो कुछ पर आप लोगों का ढेर सारा प्यार। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें पावर बी आई पे इन डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। तो वेलकम टू आर पावर बी आई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट सीरीज। इस सीरीज में आप पावर बी आई को यहाँ से यहाँ तक सीखने वाले हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि पावर बी आई को कैसे इंस्टॉल करते हैं और जाने कुछ पावर बी आई के ऐसे ऑप्शंस जो पावर बी आई में बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। और उसी वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस कुछ ऑप्शंस में देखा कि उसमें पावर क्वेरी थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर क्वेरी और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो फिर चलो देखते हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इसके बाद आप इसमें जब बोलोगे कि आपको आपका सब में सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ डेवलपमेंट के बाद एक ही चीज़ यूज़ कर रहा होता है कि रिफ़्रेश बटन का। इस बटन का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो टेबल को बार बार रिफ़्रेश करने के लिए। हर बार जो डेटा आता है, मान लो वीकली आ रहा है या फिर मंथली डेटा आ रहा है, उसको रिफ़्रेश करने के लिए इस बटन का यूज़ आपका इस बटन का यूज़ बहुत हो रहा होता है और इस वाले पैनल का यूज़ हो रहा होता है। बाकी आप बाकी सारी चीज़ें डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होती हैं, जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो या फिर प्रोजेक्ट पे काम करते हो तब यूज़ होती हैं। तो अभी हम काम करेंगे तो आप देखोगे तब यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को। मैं एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को कवर कर पाऊँ जो जो इसमें ऑप्शंस हैं। हो सकता है कुछ मिस हो जाएँ तो आगे जाके और भी प्रोजेक्ट में वो चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए मैं डेटा ही कुछ इस तरह से लूँगा और डेटा कुछ इस तरह से डेवलप करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पावर बी आई पर काम करके कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि जर्नल हैं आपकी काम में आएंगी बार बार, तो वो चीज़ें यूज़ करूँगा मैं ज़्यादातर। और जो फिजूल की हैं बहुत कम यूज़ होती हैं उनको इग्नोर करूँगा। तो चलो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड करके आगे बढ़ूँगा तोड़ के ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मैंने यूआई का बता दिया क्या है, ट्रांसफॉर्म डेटा का बता दिया कि आपको इसमें रिफ़्रेश बटन का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा टेबल को रिफ़्रेश करने के लिए और यहाँ पे हमारी टेबल्स आएंगी। तो अब आगे चलते हैं और इसमें फाइल्स डालते हैं अपनी एक्सेल की, जो भी एक्सेल्स की फ़ाइल है हमारी और डेटा है उसको लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल्स लेने के लिए हमें जब भी फ़ाइल लेना होगा तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे आपको बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं। मोर पे जाके देखते हैं कि क्या है। तो कई सारे सोर्स हैं, कई सारे सोर्स हैं डेटा के। अगर आप डेटाबेस देखोगे, आगे जाके हम डेटाबेस भी देखेंगे कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं पावर बी आई से, उसमें से डेटा कैसे निकालते हैं। तो डेटाबेस पे भी वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा नॉर्मल रहेगा एक्सेल। तो अभी के लिए एक्सेल्स के कुछ सोर्स हैं मैंने रखे हुए हैं, जो डेटा है हमारा उसको डालते हैं इसमें और देखते हैं कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आप इस पे जाओगे और एक्सेल चूज़ करोगे और कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका सोर्स का फोल्डर खुल जाएगा। आप सिंपली एक एक करके ले लो। मैंने ऑर्डर्स का सेलेक्ट किया है। खुल रहा है मेरा ऑर्डर वाला। तो खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप ऐसे जब इसको टिक करके ओके करोगे, यहाँ पे डेटा व्यू हो गया है सारा, जो जो डेटा पड़ा हुआ है हमारा इसमें, इस पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपका डेटा लोड होने लगेगा पावर बी आई में। तो अब ये मेरा डेटा सारा लोड हो गया है पावर बी आई में, जितना भी ऑर्डर का डेटा है। तो इसमें देख रहे हो आप, ये हमारा लेफ़्ट साइड पे टेबल है और राइट साइड पे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स का भी वही है, आपके वन टाइम डेवलपमेंट होती है। अगर आपने स्टेप्स में कुछ चेंजेस करें तो आपका डेटा इधर उधर हो सकता है। तो आई थिंक इसको भी ज़्यादा नहीं छेड़ा जाता है जब
प्रोडक्शन लेवल पे काम हो रहा होता है, रिपोर्ट बन चुकी होती है, कुछ डेवलप हो चुका होता है, तो इनको भी स्टेप्स को ज़्यादा कोई नहीं छेड़ता है, जो स्टेप्स होते हैं वही चल रहे होते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट आई है, कुछ क्लाइंट की तरफ से चेंजेस आए, तब इनको छेड़ा जाता है, इसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे के जैसे स्टेप्स रहते हैं वो उन पे वैसे ही सब काम करता रहता है। तो देखते हैं, कुछ स्टेप्स हमारे पहले से ही आए हैं, जैसे कि एक चेंज टाइप, प्रमोट हेडर और नेविगेशन। तो सबसे पहले सोर्स पे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा ये सोर्स है नेविगेशन पे, मतलब हाँ ये नेविगेशन पे अगर आप डबल टैप करोगे तो आपको शो होगा कि इसने नेविगेट किया। मतलब अगर आपके पास एक और दो सोर्स होते हैं, यहाँ पे दो टैब होते हैं एक्सेल फाइल में, एक ऑर्डर का है और अगर एक और टैब होता है तो यहाँ पे दो टैब आते हैं चूज़ करने के लिए। तो अभी मैंने ऑर्डर चूज़ किया है तो ये ऑर्डर ओके हो गया मेरा। तो इसके बाद प्रमोट हेडर है, प्रमोट हेडर मतलब आप देखो, इसको हटा देते हैं, लेट मी रिमूव इट। तो अभी मेरे ये पहले रो पे, पहले पे आ रहे हैं, पहले रो पे आ रहे हैं ऑर्डर, जो कि हेडर है मेरा, ऑर्डर, ऑर्डर का आईडी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर का मत लूँ, ऊपर वाली रो मत लूँ इसमें, ना लूँ, कि बिकॉज़ ये मेरा डेटा में चला जा रहा है जो भी है। तो इसके लिए पावर बी आई में ऑप्शन, अगर आप ऊपर जाओगे होम पे, तो यहाँ पे है यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाले कॉलम्स, ये वाली रो आपकी ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर इसको एज अ कॉलम, ये एज अ कॉलम डिफाइंड हो जाएंगे, कॉलम नेम। तो क्लिक करते हैं तो ये एज अ कॉलम नेम डिफाइंड हो गए, देख सकते हैं आप। और चेंज टाइप में क्या हुआ है, जैसे कि ये मेरा अभी टाइप है बोथ टेक्स्ट और कुछ करके, दोनों है टेक्स्ट और नंबर। तो आप अगर इस पे देखोगे तो यहाँ पे टाइप चेंज होकर डेट हो गया है, इसका टाइप पावर बी आई ने खुद पहचान लिया कि भाई ये डेट का टाइप है। मैं इसको, ये देखो आप, ऑर्डर, ऑर्डर डेट को डेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ टाइप में। इसको अगर देखना चाहोगे आप तो ये देखो चेंज टाइप, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हर तरीके के टाइप। और ये सोर्स हमारा ऑर्डर वाला आ गया है, और बाकी का सोर्स भी ले लेते हैं इसमें से, जो बजट और मेरा डिटेल्स वाला सोर्स है वो भी ले लेते हैं। तो जल्दी से डिटेल वाला ले लेते हैं, सेम जैसे वो लिए। डिटेल वाला भी सोर्स आ गया और जल्दी से ऑर्डर वाला भी ले लेता, वो सॉरी बजट वाला भी ले लेता हूँ। ये सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ड्राइव लिंक पे, तो आप जाके एक्सेस कर लेना, इस सोर्स को अपने में ले लेना, और जैसे जैसे मैं करता रहूँ वैसे वैसे आप फॉलो कर सकते हो स्टेप्स को, और आप भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो पावर बी आई बहुत बहुत स्मार्ट है, ये स्टेप्स खुद लगा के दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इसने स्टेप दे दिया, नंबर इसको एज अ नंबर डिफाइन कर दिया है, मतलब खुद से ही इसका टाइप चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे अमाउंट, अमाउंट हाँ, या अमाउंट इंट, इंट मतलब इंटीजर, तो इसने टाइप दे दिया है इनका। तो अभी मेरे तीन सोर्स हैं, अगर आप, आपको नेम नेम समझ में नहीं आ रहा है इनके, मतलब आपको नेम चेंज करना है, तो सिंपली अगर आप इस पे डबल टैप करोगे या फिर राइट क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसमें से रिमूव कर दीजिए। तो मेरे को अभी ये अंडरस्कोर वन नहीं लेना है, तो ये मेरे बन गए हैं टेबल्स के नेम और ये सोर्स। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और देखेंगे बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओवरव्यू के लिए आप इतना समझ लो,
आगे हम ट्रांसफॉर्म डेटा जो कि पावर क्वेरी है उसको समझेंगे, उसके कुछ स्टेप्स अभी इसमें परफॉर्म करेंगे। हमारा डेटा में बहुत कुछ हमें चाहिए है, बहुत से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और कुछ चीज़ें हैं इसमें। आप अगर ऊपर देखोगे ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको भी यूज़ करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लो, अगर आप ये वीडियो देख चुके हो पहले तो आगे की वीडियो देख लो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।